वहीं रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व प्रमुख सचिव बीएल अग्रवाल की संपत्ति को अटैच किया गया है। ईडी ने 27 करोड़ 86 लाख की प्रॉपर्टी अटैच की है। 9 नवंबर को बीएल अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला, कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। खरोरा में 400 ग्रामीणों के नाम से बीएल खोल रखे थे। अग्रवाल ने खाते भ्रष्टाचार का पैसा इन्हीं अकाउंट में जमा कराया था। बीएल अग्रवाल ने अपने भाई के जरिए कई शेल कंपनियां बना रखी थी फर्जीवाड़े करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला जिसमें पूर्व प्रमुख सचिव बीएल अग्रवाल की संपत्ति अटैच की गई है। आदित्य हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आदित्य, 27 करोड़ 86 लाख की प्रॉपर्टी अभी तक सामने आई है, क्या जानकारी लग पाई है पूरे मामले में? देखिए, अटैचमेंट हुआ है, बड़ा अटैचमेंट हुआ है, लगभग 28 करोड़ का अटैचमेंट है। बड़ी बात यह, देखिए, बहुत बड़े अधिकारी थे छत्तीसगढ़ में। रमन सिंह शासनकाल में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग हुआ करते थे, एसीएस के पद पर प्रमोट होने ही वाले थे। उसी समय इन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति केंद्र सरकार ने दे दी थी। इसके बाद इन्होंने कैट के सामने ये गए थे और कैट के सामने जाकर इन्होंने अपनी बहाली फिर से करवाई थी। इन्होंने बहाल करवाने के बाद ये फिर से सर्विस में आने वाले थे, लेकिन सरकार ने अभी तक इन्हें सर्विस में वापस लाया नहीं था। उसके बाद ये बीच में इनको कई बार गवाही के लिए बुलाया गया। देखिए, जब ये मलेरिया विभाग के प्रमुख थे उस समय स्वास्थ्य विभाग में, तब मलेरिया के नाम से केंद्र से काफी फंड आया था। उस फंड में हेराफेरी का इनके ऊपर आरोप था। इनका ऊपर आरोप था कि खरोरा करके एक गाँव है यहाँ पर, वहां पर 400 ग्रामीणों के नाम से इन्होंने खाते खोल दिए थे और उनके खातों में अवैध जो है पैसे, भ्रष्टाचार के पैसे वो जमा कराए जाते थे। मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी इनके खिलाफ जब हुआ था। इनके भाई ने एक प्राइम इस्पात करके एक इस्पात कंपनी भी खोली थी जो पूरी तरह से फर्जी थी। शेल कंपनियां बनाकर उसमें भ्रष्टाचार का पैसा डाला जाता था। सीबीआई भी इसमें इन्वॉल्व हुई थी, ईडी भी इन्वॉल्व हुई थी। और उसके बाद 9 तारीख को फिलहाल इनके भी अरेस्टिंग की गई थी। इनको बयान के लिए कई बार बुलाया गया लेकिन बयान के लिए नहीं आते थे। इनकी अरेस्टिंग की गई और आज इनकी लगभग 28 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। बड़ी खबर है हर लिहाज से। रायपुर के ही रहने वाले हैं और पिछली सरकार में टूटी बोलती थी बीएल अग्रवाल की। तो फिलहाल इनकी 28 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई है, इनके परिवार के लोगों की भी प्रॉपर्टियां जब्त की गई है और फिलहाल जो है इनके खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा रही है। ठीक है आदित्य, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका।